आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मंत्री ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। यूपी के बलिया से सदर विधायक और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर राजनीतिक कटाक्ष करते हुए कहा कि जब से उनकी सत्ता गई है तब से उनका संतुलन भी चला गया है। वहीं अखिलेश को भ्रमित बताया और कहा कि टीकाकरण के बारे में दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने के दोषी हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव को क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के लिए उनको बुद्धि आई है, इसलिए उनका स्वागत करते हैं। वहीं अपने कटाक्ष में उन्होंने कहा कि पूरे कोरोना काल में अखिलेश ने सिर्फ दो ही काम किए हैं। पहला, दर्जनों गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले आजम खान से मिलने जेल गए और दूसरा, बाराबंकी के तहसील परिसर में बने अवैध मस्जिद के प्रशासन द्वारा हटाया गया, जिसके लिए हाय तौबा मचाया। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अखिलेश यादव पूरी तरीके से भ्रमित हैं। जब से उनकी सत्ता गई है तब से उनका संतुलन भी चला गया है और यह लोग टीके के बारे में दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने के दोषी हैं। पहले अखिलेश यादव जी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए और टीका लगवाने की जो उनके सद्बुद्धि आई है मैं उसके लिए उनका स्वागत करता हूं। और इस पूरे कोरोना काल में अखिलेश यादव जी केवल दो ही काम किए हैं, एक, दर्जनों गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाले आजम खान, जिसके ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हैं, आजम खान से मिलने जेल में गए और बाराबंकी के तहसील परिसर में एक अवैध मस्जिद थी उसे प्रशासन ने न्यायोचित तरीके से हटाया, तो उसके लिए हाय तौबा मचाए। बाकी कहीं कोई भी, यहाँ हमारे पड़ोस के आजमगढ़ के वो सांसद हैं, पिछले दो साल से सांसद हैं, सैकड़ों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है लेकिन एक बार झांकने नहीं आए, गए तो आजम खान के पास केवल गए। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सरकार है और पुनः 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।